Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rajni Sharma और आज का जो हमारा trip है वो हम जा रहे हैं उज्जैन. उज्जैन में हम different जो temple है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, वो सब जगह पे हम घूमेंगे और आपको वहाँ का दर्शन करवाएंगे. तो हमने अपनी जर्नी अराउंड 4 o'clock स्टार्ट की है पुणे से. आप अभी तक अंधेरा है बिल्कुल ही ज्यादा. तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे कैसे हम गए. हम अपनी बाय कार जा रहे हैं, अपने ही व्हीकल से जा रहे हैं और रास्ते में आपको बताएंगे हम कहाँ रुके, कैसे सब कुछ. तो स्टे ट्यून, बाय बाय. ये मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock का टाइम है. सनराइज आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हो रहा है. हम किसी टोल पे रुके थे रिगार्डिंग द फास्ट टैग और अब हम आगे की जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे. थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे, थोड़ा सनराइज का देख रहे थे कितना अच्छा व्यू था यहाँ पे. बोलना के पास है और ये सारे के सारे बगीचे जहाँ तक नजर जा रही है वो पूरे के पूरे ग्रेप्स के हैं, सारे अंगूर के यहाँ पे टोटल, क्योंकि नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर लगते हैं तो यहाँ से ग्रेप्स जाते हैं पूरे सब जगह के लिए. और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है रास्ते में. आप देख सकते हैं कि जितने भी ये स्पेस दिखाई दे रहा है आप देखिए जहाँ तक नजर जाती है ये सारे के सारे अंगूर ही हैं, ग्रेप्स. ये देखिए यहाँ पे सब्जियों की और जो प्याज है उसकी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है और आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली सभी जगह पे यहाँ से ही सप्लाई आता है. Thank you.
हम शिमला की वादियों में घूमते हुए इंदौर के रास्ते में ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमाचल पहुंच गए हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही पहाड़ियाँ, और ये जो पेड़ हैं ये चील के तो नहीं है, किसी और चीज के, बट लग रहे हिमाचल की तरह रहे, ग्रीनरी एंड ऑल। शाम को 7 बजे के करीब हम इंदौर में अपने होटल में पहुंच गए थे, और नेक्स्ट डे की जर्नी जो कि थी महाकाल की, वो हमने सुबह 4 बजे स्टार्ट की, और 4 बजे से हमने विजयनगर से चलना शुरू किया, और हम अराउंड 5 o'clock वहाँ पे पहुंच गए थे। तो ये देखिए वहाँ के रास्ते का नज़ारा है उज्जैन का, महाकाल का, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिवाली भी साथ में थी। ये न्यू कॉरिडोर है जो अभी नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था, और ये कॉरिडोर के अंदर का मैं अब आपको भी दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेचूज हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं हमारे ऊपर भगवान की, वो मैं आपको सब दर्शन करूँगी। फोटो खींचो ना। हाय कर दो फोटो वाला, सबसे ज्यादा फोटो सारे महाकाल के दर्शन के बाद ये न्यू कॉरिडोर बना है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टैचूज बनाए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और ये प्रक्रिमा के लिए है। जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये न्यू कॉरिडोर में बनी मूर्तियां हैं। यहाँ से महाकाल जी के दर्शन होते हैं, मतलब यहाँ से अंदर जाते हैं, ये जो साथ में मैंने बिल्डिंग दिखाई, और इसके सामने पूरा अराउंड 1/2 किलोमीटर का होगा ये कॉरिडोर जो है, और आप थक जाएंगे इतनी ज़्यादा इसकी लेंथ है। और ये शिप्रा नदी है। तो ये था मेरा ब्लॉग रिगार्डिंग द न्यू कॉरिडोर। आई होप आपको ये अच्छा आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।